बहुत शुक्रिया। कौमी एकता के प्रतीक मौलाना मजरुल हक साहब की जयंती, और उस जयंती पर बात शुरू ही यहीं से होनी चाहिए कि खेच लाई है सभी को कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज झमघट ऊंचे महफिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, ले मेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, आए वो शौके शहादत जिनके दिल में है, वक्त आने पर जमाने को खबर हो जाएगी, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल। कौमी एकता के प्रतीक मौलाना मजरुल हक साहब की जयंती समारोह में आज जब हम यहां इकट्ठे हुए हैं, आदरणीय चौधरी साहब के नेतृत्व में, अगुवाई में, और ऐसे वक्त में इकट्ठा हुए हैं। हमारा एक शायर लिखता है कि अब तो पतंगे भी ये देख के हैरान हो गई कि ये छते भी हिंदू मुसलमान हो गए। ऐसे वक्त में हम यहां पर इकट्ठा हुए हैं और मौलाना को याद कर रहे हैं, कौमी एकता की बात कर रहे हैं। बड़ी बहन इंदु जी ने जो कहा, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। ये बिहार है कि यहां ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं? हमारे यहां होते तो बुलडोजर चल जाता शाम को। और इसलिए सबसे पहले पूरी विनम्रता के साथ मैं बहुत खेद व्यक्त करना चाहता हूं आयोजन समिति और चौधरी साहब आपके सामने कि मैं देर से पहुंच पाया। रास्ते की उलझन और इस वजह से मैं चाहता था कि सबको सुनूं और एक बहुत शानदार कार्यक्रम में शिरकत करके पूरे कार्यक्रम का आनंद उठाते, लेकिन मैं माफी चाहूंगा कि आज विलंब से आए, और इसकी भरपाई के लिए एक वादा करते हैं कि अगली बार कोई मौका निकाल कर एक बार पूरे दिन के ऐसे किसी कार्यक्रम में अभी से सहमति देते हैं कि हम जरूर आएंगे और सबके साथ सबको सुनेंगे और सबकी बात करेंगे। और वैसे भी अब बेड़ी काट दी है उन जालिमों ने, तो अभी एप्लीकेशन भी नहीं लिखना पड़ता है कि कहां जा रहे हैं, नौकरी छीन ली। तो अब जब इतना सम्मान और आपका प्रेम मिल रहा है, तो मुझे तो जो सहारा मिला है वो तो उसका कोई हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, लेकिन उनकी छाती पर सांप जरूर लौट रहा होगा जो ये सोच रहे थे कि लक्ष्मण यादव की नौकरी छीन लेंगे तो वो चुप हो जाएगा, डर जाएगा और कहीं बैठ जाएगा। तो आपसे जो ये हिम्मत मिली है, इस हिम्मत से हम और ललकार करके बोलेंगे, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। इस उम्मीद और हौसले के साथ सामाजिक न्याय की और संविधान की लड़ाई को और मजबूती से लड़ा जाएगा। और जब जब बिहार हम जैसे लोग आते हैं, मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला हूं, और अभी बड़ी बहन जब बोल रही थी तो वो सारी बातें कह रही थी, उत्तर प्रदेश बिहार दोनों एक जमाने में सामाजिक न्याय और संविधानवादी समाजवादी आंदोलनों की जमीन रहे हैं, और जब आज के दौर में उत्तर प्रदेश में माहौल थोड़ा बंजर किया जा रहा है, तो हम समाजवादी और सामाजिक न्यायवादी लोग बिहार की सरजमी से आकर फिर से ऊर्जा और गर्मी महसूस करते हैं ताकि उस लड़ाई को हम उत्तर प्रदेश तक पहुंचा सके। और चूंकि ये आप बैनर देखिए पीछे जो है, ये हमारी विचारधारा और वैचारिक रिश्ते की कहानी कहता है, और ये रिश्ता बना है जिसकी वजह से हम और आप यहां पर एक साथ खड़े हैं। तो वो अतीत का रिश्ता है, विचारों का रिश्ता है, और आज वर्तमान का भी एक रिश्ता है।
वो इतिहास अतीत जब बिहार की धरती पर मैं खड़ा होता हूं तो मुझे आज भी इस बिहार की सरजमी से तथागत बुद्ध की ज्ञान की रोशनी की गर्माहट महसूस होती है। इसलिए मैं बिहार आकर के नाज करता हूं कि हाँ, इस सरजमी से हमारा एक वैचारिक रिश्ता है और उसे आपने फिर से जीने का मौका दिया है। वो सरजमी और जिस विचारधारा की हम बात करते हैं, जो बुद्ध से शुरू होकर कबीर रैदास पलटू दादू भीखा बोले शाह बाबा फरीद, गुरु नानक चोखा मेला से होते हुए, फूले अंबेडकर पेरियार से होते हुए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के रिश्ते से आगे बढ़ती है, जगदेव बाबू और महामना राम स्वरूप वर्मा के रिश्ते से आगे बढ़ती है, मंडल और कांशी राम के रिश्ते से आगे बढ़ती है। इसलिए हमारा और आपका एक वैचारिक रिश्ता है और इस वैचारिक रिश्ते में इतने बड़े सम्मानित मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं एक बार फिर से आदरणीय अवध बिहारी चौधरी साहब को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस वैचारिक रिश्ते का हम सफर बनने के लिए एक और मौका दिया। और उस वैचारिकी में कबीर साहब को याद करता हूं, तब मौलाना मजरुल हक पर बात करेंगे। और चूंकि आज उनकी जयंती है तो बाकी बातें होती है, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने वो सारी बातें कह दी है जो हमारी ही बात है, हम सबके वैचारिकी की बात है। और कबीर साहब को इसलिए याद करता हूं कि आज उन्हें याद करने की जरूरत है। काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, तो पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दोन राह न पाई। उस विचार की गर्माहट को महसूस करिएगा। और क्यों कबीर साहब ने यह लिखा था कि तुम कत बाबन हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध, एक बूंद ते सब अतपन्ना कौन बाबन कौन सूदा। मानवतावादी विचार जो तथागत बुद्ध का था वही कबीर का था, लेकिन उसके लिए बड़ी मुश्किल झेलनी पड़ी। ऐसा यह संसार है, साच कहो तो मारण धावे और झूठे जगपतियाना जी, सच बोलने पर मारने के लिए दौड़ता है और झूठ को सर पर उठाकर रखता है। और इसलिए उस विरासत को याद करें, हमें किस बात की सजा मिले, हक और सच की बात करने की ही तो। उन्हें ये जिद थी कि हम बोले तो उनके सुर में सुर मिलाकर बोले। अगर वो बोले कि कोई काला पानी की सजा में गया था और बुलबुल पे बैठ के पूरा भारत घूम लेता था तो हम भी कहें जी सरकार बुलबुल पे ही बैठकर घूम लेता था। बिहार वालों आप समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूं। वो चाहते थे कि वो बोले कि हाँ नाली के गैस से चाय बनती है, तो हाँ मैं कहता हूं कि चाय ही नहीं खीर और सेवई भी बन जाती है, तब वो हमें नौकरी पर रखे रहते। वो चाहते थे कि मैं बोलूं जो वो चाहते हैं, लेकिन हमारी जमीर हमारी रीढ़ वो कहती थी कि हक बात पे कोड़े और जिंदा, अपने आइडिया ऑफ इंडिया को महसूस करिए यहां से, हक बात पे कोड़े और जिंदा, जिंदा कर देता है जेल, हक की बात करने पर कोड़े और जिंदा जेल मिले, हक बात पे कोड़े और जिंदा, बातिल के शिकंजे में है जा इंसान है कि सहमे बैठे हैं, खूंखार दरिंदे हैं रक्षा, बिरसे में हमें ये गम है मिला, इस गम को नया क्या लिखना, जुल्मत को जिया सरसर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। इसलिए हम ये तेवर लेकर के उनके खिलाफ बोलने आए और इसलिए हमें ये सजा मिली कि हम हक और सच की बात करें। उनके दरबार में अगर दरबारी बन जाते तो हमें वो बड़ा ओहदा दे देते, लेकिन हमारे पुरखे जब उनके पुरखों के दरबारी नहीं बने तो हम क्या उनकी दरबारी बनने जाते। कबीर साहब ने लिखा कि आज जरूरत किस बात की है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर जा रो अपना चलो हमारे साथ। जो घर फूंक करके ऐसा भारत बनाने की कोशिश थी
वो इसी दिन रात के लिए कि विश्वविद्यालयों को आरएसएस का कैंपस प्लेसमेंट सेंटर बना दिया जाएगा। आपकी सरकार बनेगी तो आप चाहेंगे कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, वाइस चांसलर, असिस्टेंट प्रोफेसर सब आपकी मर्जी के बन जाएं? क्या इसी दिन के लिए हमारे शहीदों ने ऐसा भारत हमें सौंपा था? तो ये दोनों विचारधारा क्या जो एक संकट है, उस विचारधारा में हमारे पुरखों का इतिहास ही संघर्ष कर रहा है। और उस संघर्ष के इतिहास में बहुत पीछे न जाकर बिहार वालों आपसे बेहतर इस बात को कौन समझता है, जब यहां पर त्रिवेणी संघ बना था 1930 के आसपास, पुराने वरिष्ठ लोग जानते होंगे, त्रिवेणी संघ को भी बदनाम किया गया कि तीन जातियों का संगठन है। जैसे आजकल भी बहुत बदनाम किया जाता है, अभी मैं आ रहा हूं और बिहार वालों को फिर से बधाई दूंगा। और मैं बिहार वालों जब बोल रहा हूं तो इस मेरे दर्द को समझिए कि मैं यूपी वाला होकर के कौन सी बात आपको गिनाऊं कि हमारे यहां, आपके यहां क्या हो रहा है और हमारे यहां क्या हो रहा है। इसलिए बोल रहे हैं कि यह आवाज एक दिन वहां तक जाएगी। उस त्रिवेणी संघ में 90% कमेरा लोगों की बात की गई थी और बदनाम किया गया व्यक्तित्व को देखकर। और उसके बाद वो पूरी लड़ाई जो आगे बढ़ी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया, सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, वो यही समाजवादी आंदोलन की जमीन है। और उस नारे को जब अर्जक संघ और शोषित दल के बाबू जगदेव प्रसाद ने आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, ये विचारधारा का इतिहास है। तो जो त्रिवेणी संघ से अर्जक संघ तक का समाजवादी आंदोलन और सामाजिक न्याय का आंदोलन क्या था, हमारे जयंत भाई बैठे हुए हैं विश्वविद्यालय में, इसीलिए आरएसएस का अखाड़ा बनाया जा रहा है कि कोई जेएनयू छात्र संघ चुनाव में खड़ा होकर कोई राष्ट्रीय जनता दल की पैरोकारी करके पहली बार वहां अपना विचार और अपना एजेंडा ऐसे प्लेस करे कि वहां से एक लकीर खींच दी जाए कि बड़े बड़े प्रोग्रेसिव विश्वविद्यालय भी इस बात के लिए इंतजार करते रहेंगे कि लालटेन की रोशनी जलाने कोई जन जिज्ञासु ही पहुंच पाया। और वो बहुत देर लगी, तो वो नारा, वो तमाम लोगों का नारा था, हमें दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। मुझे लग रहा है ये वैचारिक मंच है और अपने वैचारिक अतीत को याद करना बहुत जरूरी है। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, 100 से कम न 1000 से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाशा। और तब वो पूरी विरासत को याद करिए और इतिहास के पन्ने पर कुछ देर के लिए ही सही सैर करने लौटा करिए, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला अंबानी हो, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना हो कि नींद हराम, और सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। ये लड़ाई तो हमारे पुरखों ने लड़कर के ये भारत बनाया था। तो जिस समय कलम और किताब के लिए लड़ाई होनी चाहिए, उस समय मजहब के नाम पर दंगा फैलाया जा रहा है। इसलिए हम कौमी एकता की इस विरासत को याद करने यहां पर इकट्ठा हुए हैं। यह है, ये मजहब की और धर्म की सियासत हमारी नहीं है। हम सब मिलकर के एक साथ रहा करते थे और सारे मिलकर के उस इतिहास को याद करते थे। किसी ने कहा तंज करते हुए कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ले जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। और यहां से अपने इतिहास को याद करिए, वो बूढ़ा राजा भी लिखता है कि जब तलक गाजियों में बू रहेगी, जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। कितनी शहादत दे करके तो ये लड़ाई लड़ करके यहां तक का भारत बनाया गया था, इसी दिन रात के लिए कि किसी दिन ऐसा भारत आएगा कि अब मस्जिद के नीचे से मंदिर खोजा जाएगा, यही इस देश का सबसे बड़ा सवाल है। आज का वर्तमान कहां खड़ा है सिवान के लोगों, इस बात को समझिए। तेलंगाना में एक प्रोटेम स्पीकर मुसलमान है तो 8 चुने हुए विधायकों ने शपथ लेने से मना कर दिया, यही भारत बनाने के लिए इन लोगों ने कुर्बानियां दी और हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी थी। मजहब के नाम पर इस कदर सांप्रदायिकता,
अपने खुदा भगवान का नाम लेकर लिंचिंग करते सरेआम और रोज मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाई। कौमी एकता के इस जगह पर खड़े होकर के हम अपने उस विरासत को इसलिए याद करना चाहते हैं क्योंकि वो विरासत कलम और किताब की लड़ाई के लिए लड़ी गई। और आज कलम और किताब हाशिए पर, तो वो जो जगदेव बाबू की शहादत है वो हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं। वो जो महामनाराम सिंह वर्मा की बात है, वहां से पूरी लड़ाई आगे बढ़ी, मंडल आंदोलन का जिक्र आया और हमें तो किसी ने किताब पढ़ने नहीं दिया साहब। मंडल का जिक्र, जब बीपी मंडल साहब का पूरा इतिहास पढ़ रहे थे, पुराने लोग जानते होंगे, विधानसभा का वो जब मैंने अध्याय पढ़ा उसको, उनका नाम भी था, मैं नाम जरूरत पड़ेगी बोल दूंगा। मेरी एक आदत है कि वैचारिक मंचों पर बहुत हल्के लोगों का नाम ही मैं नहीं लेता, या नाम लेना होगा तो बिरसा फूले अम्बेडकर पेरियार का नाम लूंगा, अपने लोगों का नाम लूंगा, उनका इशारे में कह रहा हूं। गंगा में तेल रिस गया, आग लग गई, तो सदन में खड़ा होकर के एक शख्स कहता है कि शूद्र अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो क्या होगा। बीपी मंडल साहब खड़े होकर बोलते हैं कि देखो, गंगा में आग तो तेल रिसने से हुई है, लेकिन हमारे यहाँ होने से तुम्हारे सीने में जो आग लगी है इसको हम खूब समझते हैं और खूब अभी जलाएंगे ताकि बराबरी का समाज जब तक न बना दे। वो इतिहास था हमारा ना, अपमान और जलालत कैसी। पढ़िएगा आप जयंत जिज्ञासु का लेख, और उन्होंने वो सारे इतिहास सिलसिलेवार बताए, दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश और बार बनावा करपुरी और भैंस चरावा राम नरेश। यादव जी, लोगों को कई बार लगता था कि हमारा कौन शोषण कर लेगा। थोड़ा भोजपुरी यहाँ चलती है कि नहीं? आज हम मैं एकदम भोजपुरी लाके का आई हूँ सर, एकदम बगल में वह है, ये है तो हम तो बड़ा अच्छा लगता है। हमारे यहाँ का कुछ लोग मिला तो कहा कि देखा ये शूद्रोध हमके मत बनावा, केकर हिम्मत की अहिरे का शोषण कर ले। और उसी दिन उसको इतिहास जब ये वाला पढ़ाया कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव और बिहार में मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, तो नारा लगाया कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश और बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। आरक्षण कहां से आई और कर्पूरी की माँ और बहन के ऊपर गाली। आज हमारे लोग हिंदू बन गए क्योंकि खतरे में हिंदू धर्म था। अरे भाई, कौन आके आपको बता गया? उस इतिहास को पढ़िए और छोड़ दीजिए इतिहास की बात। 2017 में मुख्यमंत्री के बेटा रहे और विदेश में पढ़ाई करके ओरिजिनल डिग्रियों के साथ जो मुख्यमंत्री 5 साल रहा, जब उनका घर बाहर निकलने पर गंगा जल से धुलवाया, तब हमने जाके उनसे पूछा, बताओ उनकी नजर में तुम्हारी इज्जत क्या है और तुम उनका धर्म बचाने चले जाते? नहीं भाई, ये धर्म की सियासत हमारी नहीं, हमारी सियासत सामाजिक न्याय की सियासत है। एक जमाने में लड़ाई लड़ी गई रोटी कपड़ा और मकान की, और आजाद भारत की लड़ाई है शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार की। ये 6 बातें ही समाजवाद और सामाजिक न्याय की बात है। जो इसकी 6 बात करेगा वही समझ लीजिए हमारा वैचारिक वारिस है। इसके अलावा जो भी कुछ कहानी कही जाए वो सब हमारे यहाँ भैंस चुराने आते हैं, हमारे यहाँ भोजपुरी और मैडम भी उधर के हैं। रात के अंधियारा में पुराण लोग सब समझत होगा, रात के अंधेरे में भैंस चोरावे तो घंटी जो भैंस के गले में है उसको लेकर के भैंस चोर का एक चोर पूर्व में भागता था तो भैंस लेके बाकी चोर पश्चिम भागते थे। अंधेरे में घर वालों की नींद खुली तो घर वाले किस तरफ दौड़ेंगे जिधर से घंटी की आवाज आ रही है? पूरा गांव उधर दौड़ता चला गया जिधर से घंटी की आवाज आ रही है, और अंत में चोर घंटी फेंक के चला गया, गांव वालों के हाथ में क्या मिला? और भैंस चोर दूसरी दिशा में चोरी करके। आज हमारी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की भैंस कोई चुरा रहा है और जैसे ही आप उसका सवाल पूछते हैं अचानक आके घंटी पकड़ा जाता है, उठो हिंदुओं देखो तुम्हारा धर्म खतरे में। किससे? 20% लोगों से। कब खतरे में हुआ भाई, किससे खतरे में हो गया हमको तो पता नहीं चला। एक सवाल यहां से जाना चाहिए, क्योंकि कौमी एकता की बात है। ये जितने मजहब के नाम पर लोग आपके गांव मोहल्ले में आते हैं उनको बुला करके बिठा कर पूछिएगा कि हमारा स्कूल खतरे में था तब तुम क्यों नहीं आए, हमारा रोजगार खतरे में था तब तुम क्यों नहीं आए, हमारी नौकरी चली गई तब तुम खतरे में क्यों नहीं आए, और जब हमारा भविष्य खतरे में है तुम नहीं आते हो, और धर्म खतरे में होता है तब हमें दंगा में इस्तेमाल करने के लिए आते हो। बाबरी मस्जिद विध्वंस पर पहला हथौड़ा चलाने वाला एक ओबीसी था, गुजरात में जो पोस्टर बॉय बना वो एक मोची था,
और 10-15 साल बाद जब उनसे पूछा गया कि इस मजहबी दंगे में आपको क्या हासिल हुआ, तो उन्होंने कहा हमारा परिवार लुट गया, बर्बाद हो गया। आज भी वो मोची का काम करते हैं, और जो धर्म के नाम पर दंगे का यात्रा चलाया वो सब आज वहां बैठ करके कहता है भारत का संविधान बदलना है और इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये है। आज अगर मौलाना मजरुल हक भी होते तो इस मुल्क की साझी शहादत से बिना साझा विरासत का भारत बचाने के लिए मुल्क की सड़कों पर उतरते कि आओ हम सब मिल करके इस मुल्क को इस सांप्रदायिकता की ताकत से रोकेंगे। ये हमारी चुनौती है और ये मेरे आज के वक्तव्य का सबसे मूल बात है। संविधान बदल जाएगा तो अगली बार ये कार्यक्रम कैसे होगा, ये सबसे बड़ा खतरा है। और आज वर्तमान में आकर के बिहार से क्यों ऊर्जा लेने की बात करता हूं, उसी समय एक दंगाई सब मंडल आंदोलन का दौर था सर। और मैं एक बात अपनी जोड़ी हूं, मंडल आंदोलन में सबसे मंडल विरोधी आंदोलन का केंद्र था मेरा विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय। वहां एक चौराहा बना था जिसका नाम ही था क्रांति चौक, और सारा लोग चूंकि वही था तो मंडल के विरोध में सड़क पर उतर गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह वो समाजवादी सरकार के लोग, सामाजिक न्याय के लोग, और जब मंडल की बात होती है तो जितना श्रेय हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव को, आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह को, आदरणीय शरद यादव को और तमाम अपने सामाजिक न्याय के पुरोधाओं को देते हैं, हम उतना ही क्रेडिट माननीय कांशीराम को देते हैं जिन्होंने नारा दिया मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। हमारी एकता यहां से बनी हुई है और हमारे पुरखे एक करने का सवाल लेकर, और वो आंदोलन का विरोध का केंद्र था। आज जब उसी विश्वविद्यालय में जब कल नारा लगाया जा रहा था कि अगर आरक्षण लागू हो जाएगा तो खराब कैटेगरी के लोग आएंगे, आज आरएसएस की पर्ची मैं 100 में 96 नंबर एपीआई, गोल्ड मेडलिस्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। और एक और किस्सा सुना दूं और अपने लोगों को सुना रहा हूं, इस बात को समझिएगा, जो प्रोफेसर मुझे पढ़ाया करता था इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उसमें बड़ा मानता था कि बेटा तेरे ललाट पे लगा है कि तू कुछ बड़ा करेगा आगे जाकर, और जब यूनिवर्सिटी टॉप कर गए तो वही प्रोफेसर मेरे सामने दूसरी तरफ मुंह करके बोल रहा है अहिरों के लड़के सब गाय भैंस चराना छोड़कर यूनिवर्सिटी टॉप करने लगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। ये कौन झेला भाई, और किस बात पर तुमने ये बात कही हमसे। तब हमें समझ में आया कि बिरसा फूले अंबेडकर पेरियार लोहिया और मंडल को पढ़ना क्यों जरूरी, और तब हमने अपनी पढ़ाई की, और पढ़ाई की तो लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। उस मंडल के विरोध में कमंडल लेकर के निकले, और बिहार के लोगों मैं याद करना चाहूंगा, अभी इंदु जी ने इशारा किया, जब सारा देश सांप्रदायिकता के उस रथ के सामने डर गया तो बिहार का एक शेर खड़ा हुआ और उसने कहा कि हम प्रधानमंत्री, जितना एक प्रधानमंत्री के जान का कीमत है उतना ही एक आम इंसान के जान का कीमत है। अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में पूजा करने कौन जाएगा, अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत देने कौन जाएगा। इसलिए हम अपने राज में मतलब दंगा फैलने नहीं देंगे, हम चाहते हैं कि यात्रा को स्थगित करके वापस चले जाइए। वो नहीं गए तो उस दंगाई रथ को रोक दिया, आज भी उसकी सजा पा रहे मगर झुके नहीं, डरे नहीं। वो विरासत हमारी है, और आज ये बात आपके यहां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत उत्तर प्रदेश में है। और वही 23 अक्टूबर 1990 का दिन बिहार का इतिहास का है, तो 30 अक्टूबर 1990 का दिन उत्तर प्रदेश के इतिहास का है। लोगों ने कहा कि मौलाना मुलायम है, लोगों ने कहा कि मुल्ला हो गए, और नेताजी ने कहा कि कोई मुझे मौलाना कहे, कोई मुझे मुल्ला कहे, कोई मुझे कुछ भी कहे, इससे फर्क नहीं पड़ता, मगर इस देश के संविधान को बचाने के लिए मुझे जो करना होगा करूंगा, और 30 सितंबर को फिर से कानून की रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए और संविधान पर सबका यकीन बरकरार रहे उसके लिए उन्होंने उन दंगाइयों के सामने चट्टान भरकर खड़े होने का फैसला लिया। ये दोनों नेता अपने राजनीति की शुरुआती दौर में थे, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। कोई और होता तो सोचता थोड़ा तिकड़म कर लेता कि राजनीति दूर तक करनी है, रीढ़ जब खड़ी थी तो उन्होंने पढ़ करके उस रथ को रोका। आज हमारी आंखों के सामने वो रथ क्या क्या नहीं कर रहा, और बिहार के लोगों आपको इसलिए भी बार बार याद करता हूं, लाख कोशिशों के बाद भी मुझे लगता है बिहार एकमात्र राज्य है जहां उस चिड़िया ने पंख आज तक फैलाने में कामयाबी हासिल नहीं की।
आज भी वो यहाँ पर पीछे ही है, कोशिश बहुत कर रहे हैं। कुल्हाड़ी की लकड़ियों को दिखा करके जंगल की लकड़ियों को कहा जा रहा है, देखो कुल्हाड़ी का साथ दो, इसमें लकड़ी तो तुम्हारी वाली ही है, इशारा समझ रहे हैं ना। वो सब कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं आपको बधाई देने आया हूं। जिस वक्त कहा गया था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, जिस वक्त कहा गया था कि 15 लाख रुपया हर अकाउंट में देंगे, जिस वक्त कहा गया स्मार्ट ट्रेन, अब मान लीजिए पटना से सिवान तक अगर बुलेट ट्रेन चली होती तो मैं सबसे समय से पहले आ जाता कि नहीं, तो भाई बुलेट ट्रेन कहां गई? इतना वादा किया गया था, एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं? वो लूट रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं? हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। और जैसे ही सजदा किया था ना संविधान और संसद की चौखट पर, और जिस दिन वो सजदा किया था, आप समझे कि देवता उतर गया है धरती पर। आपको नहीं पता कि ये सारा जिस्म दबकर बोझ से दुहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा, और धोखा हो गया। और जिस संविधान की शपथ लिया, जिसके लिए बोला कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ना होते तो चाय बेचने वाला कभी देश का प्रधानमंत्री ना बन पाता, उसी संविधान को तबाह और बर्बाद करने का काम किया, ताकि अगली बार कोई दूध बेचने वाला, चाय बेचने वाला, कोई सड़क पर पत्थर तोड़ने वाला, कोई अगली बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री न बन पाए। सबसे बड़ा खतरा मुझे लगता है आज इस बात का। और तब उन्होंने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, बैंक बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। और जाते आते अपने एक बात पहले ही बोल चुका है, हमारा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी का झोला लेके चल देंगे, हमें और आपको तो इस देश में रहना है ना। इसलिए ये जो आज का खतरा है, इतिहास पर तो हम घंटों बोल सकते हैं कि जगदेव बाबू ने कैसे लड़ाई लड़ी, डॉक्टर लोहिया ने कैसे लड़ाई लड़ी। बड़ा विरोधाभास था डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में, दोनों के सारे विचार एकजुट नहीं थे, लेकिन दोनों 1956 में एक होकर के काम करना चाह रहे थे कि नहीं, दोनों में पत्र व्यवहार हुआ कि नहीं। जब वो सारे लोग एक हो रहे थे तो हमसे ज्यादा दूरदर्शी तो रहे होंगे, और हम एक लोगों को आपस में तुड़वाया जा रहा है, और इसलिए ताकि शिक्षा बर्बाद कर दी जाए, रोजगार बर्बाद कर दिया जाए, उतना झूठ बोल करके एक वादा पूरा नहीं हुआ। आजाद भारत की पहली सरकार कोई ऐसी होगी, आदरणीय चौधरी साहब बैठे हैं, मैं उनके सामने ये बात कबूल करता हूं, पहली बार किसी ने कहा था कि हम अगर मुख्यमंत्री बन गए तो 1 कलम से 10 लाख नौकरी देंगे, आधा बने तो 1 साल में 5 लाख नौकरी दे दी। ये आपने मील का पत्थर साबित कर दिया। और मुझे याद आ रहा है वो भाषण, कुछ लोग त्रिशूल और तलवार बांट रहे हैं, हम कलम बांट रहे हैं, ये फर्क है, और इसलिए हम आपसे ऊर्जा लेने आए। कलम बांटने का काम हुआ, नौकरी बांटने का काम हुआ, चट मांगनी पट ब्याह की तरह चट फार्म भरो, पट जो है ज्वाइनिंग करो, कितना पॉपुलर हुआ। इसका मतलब सब जगह नाउम्मीदी नहीं है, हौसलों में फकत उतार सही, वक्त ज्यादा है बेसहाब सही, नाउम्मीदी से लाख बेहतर है एक उम्मीद दागदार सही। इसलिए हम इस उम्मीद के साथ खड़े हैं, और इसलिए कहते हैं 1931 के बाद देश कैसा नमूना बन गया। दो घटना बता रहा हूं इंदु जी, आप हमारे दिल्ली में एक मकान मालिक, जैसे पुराना घर कोई बनवाता है जगह जमीन जोड़ करके 1-1 रुपया, तो पलस्तर नहीं हो पाया, ईंट की दीवार बन गई, तो 2 तल्ला मकान बना, तो ऊपर वाले से जो पानी की नाली गिर रही थी तो नीचे वाली दीवार पर पानी गिरता था, तो उससे